हेलो फ्रेंड्स, प्रीति नीटिंग में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये देखिए, आज मैं आपके लिए सिंगल कलर का ये वाला पैटर्न लेकर आई हूँ। इसे आप किसी भी जर्सी में, स्वेटर में, कार्डिगन में, किसी भी प्रोजेक्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। और ये वाला जो पैटर्न है हमारा, ये हमारा 4 रो में कम्प्लीट हो जाता है और बहुत ही आसान पैटर्न है ये। ये देखिए, और बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगता है। और इसमें हमें फंदे चाहिए होंगे 3 के मल्टीपल में, जिससे ये हमारा डिजाइन बन जाता है। चलिए फ्रेंड्स, मैं इसे आज आपको बनाकर दिखाती हूँ। देखिए, ये जो हमारी बॉर्डर के ऊपर से फर्स्ट रो शुरू होती है, इसे मैं ऊपर से यहाँ से स्टार्टिंग से बताती हूँ। ये देखिए, बॉर्डर के ऊपर से हमें कैसे स्टार्ट करना है। ये जो पहला फंदा है हमारा, इसे एज स्टिच बोलते हैं, और इसे हम ऐसे सीधा बुन लेते हैं फर्स्ट रो में। फ्रेंड्स, आपको थोड़ा ध्यान से देखना है, तभी आपको हमारा ये डिजाइन समझ में आएगा। देखिए, ये जो हमारी फर्स्ट रो है, ये पूरी की पूरी सीधी साइड से ही बुनी जाएगी। देखिए, और राइट साइड से हमारा ये पैटर्न शुरू हो जाता है। बहुत ही आसान सा डिजाइन है ये वाला। और जेंट्स स्वेटर में अगर आप इसे अप्लाई करेंगे तो ये बहुत अच्छा बनकर आता है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको मेरी हर वीडियो की अपडेट समय से मिलती रहे। ये देखिए, ये लास्ट का फंदा भी हमें ऐसे ही बुन लेना है। यहाँ पर हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अपनी सेकंड रो पर आ जाते हैं। सेकंड रो में हमें क्या करना है, ये पूरी की पूरी जो सिलाई है उल्टी तरफ से बुन लेनी है ऐसे। ये देखिए, पहली सिलाई सीधी, दूसरी सिलाई उल्टी, तीसरी सिलाई फिर से सीधी, और चौथी सिलाई फिर से उल्टी, ऐसे करके। सेकेंड रो यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अपनी थर्ड रो पे आ जाते हैं, जो हमें सीधी तरफ से ही बुन लेनी है। ये एज स्टिच हमें ऐसे बुन लेना है। अब हम अपना यहाँ पर डिजाइन बनाते हैं। ये देखिए, ये हमारे 3 फंदे हैं जिसमें ये हमारा डिजाइन बनता है। ये देखिए, ये हमारे 3 फंदे हैं जिसमें हमारा ये डिजाइन बनता है। 1, 2, 3, तीसरे फंदे के नीचे को इस ऐसे ऐसे हमें सिलाई को निकालना है। ये देखिए, और फिर इस एक फंदा हमें यहाँ से ऐसे निकाल लेना है। इसे हमें थोड़ा सा लूज रखना है। ये देखिए, और फिर इन वालों फंदों को अभी हमें छोड़ना नहीं है। एक फंदा हमारा ये वाला, इसे ऐसे बुन लेना है और इसे ऐसे उतार देना है, और फिर एक फंदा ये वाला, ये देखिए, ऐसे बुन लेना है, इसे फिर ऐसे छोड़ देना है। अब फिर
यहाँ पर तीसरे फंदे के नीचे ऐसे सिलाई को, ये देखिए ये निकल गया हमारा फंदा। इसे हमें सभी डिजाइन में लूज रखना है थोड़ा, देखिए, जिससे हमारा डिजाइन और भी अच्छा लगे देखने में। देखिए तीन फंदे के नीचे हम इस वाले डिजाइन को बना लेते हैं। ये देखिए तीनों फंदे हमारे यहाँ पर आ गए। फिर से हम ऐसे करते हैं, तीसरे फंदे के नीचे से हमें सिलाई निकालनी है जिसमें हमें एक फंदा निकाल लेना है। देखिए ये देखिए कितना आसान पैटर्न है, फोर रो का ये हमारा पैटर्न है। हर रो में हमें ये डिजाइन बना लेना है और हमारा ये वाला पैटर्न बन जाता है। ये देखिए सीधी साइड से हमारा ये वाला डिजाइन बनता है तीसरे फंदे के नीचे। ये देखिए तीसरी रो हमें ऐसे कंप्लीट कर लेनी है, तीन तीन फंदों में हमें। ये हमारा जो लास्ट फंदा है इसे भी हम एज स्टिच को भी ऐसे सीधी साइड से अकेला बुन लेते हैं। ये देखिए तीन रो यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो चुकी है। देखिए ये वाला डिजाइन हमारा ऐसा बन जाता है तीन रो में। और अब हम अपनी फोर्थ रो कंप्लीट करके आपको बताते हैं। पहला फंदा, ये जो फोर्थ रो है हमारी, ये पूरी की पूरी रो उल्टी साइड से ही बन जाती है। पहला फंदा हमने बुन लिया है और ये वाले फंदे भी हमें पूरे के पूरे एक एक करके यहाँ पर ऐसे ही बुन लेने हैं। ये वाला फंदा भी देखिए एक एक करके हमें पूरे फंदे ये वाले बुन लेने होते हैं। जो फंदा हमने तीसरे फंदे के नीचे से निकाला था ये वाला जो है, इसे भी हमें ऐसे ही उल्टी साइड से बुन लेना होता है। फोर्थ रो हमारी ऐसे कंप्लीट हो जाएगी।
लास्ट फंदा भी हम उल्टी साइड से बुन लेते हैं। ये यहाँ पर हमारी फोर्थ रो कंप्लीट हो चुकी है, ये देखिए। और इसके ऊपर हम फिफ्थ रो सीधी साइड से बुनते हैं, फिर सिक्स्थ रो उल्टी साइड से, जैसे हमने फर्स्ट रो में किया था ऐसे ही हम इसके ऊपर फर्स्ट रो की तरह सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो ऐसे रिपीट करते चले जाते हैं, तो ये हमारा पैटर्न बनकर तैयार हो जाता है। फ्रेंड्स, मेरी इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। ओके, बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।